किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के बैनर तले किसानों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर दिया। अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान सेंट मैरी चौराहे पर इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसानों की माने तो सरकार ने किसानों का मन मात्र का कर्ज माफ किया है। किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मिल मालिक उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। किसानों ने एक टूक कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसान उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह और आज भारतीय किसान यूनियन भानु का यहाँ उग्र आंदोलन जो हो रहा है वो किसानों की मांगों के लिए कि गन्ने का रेट 500 रुपए कुंटल मिलना चाहिए, किसान की संपूर्ण कर्ज माफ़ी होनी चाहिए और 60 वर्ष से ऊपर के किसान और मजदूर को 5000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए और जो बिजली की दरें सरकार बढ़ा रही है उसे कम किया जाना चाहिए। बिल्कुल जो बिजली की दरें बढ़ा रही है उसे बिल्कुल घटाया जाना चाहिए, नहीं तो किसान और मजदूर सड़कों पर उतर आएगा और ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और गंगा पर गौसपुर से रावली तक तटबंध बनना चाहिए और जो भी यहाँ सड़कें बहुत बुरी हाल में हैं वे सड़कें बननी चाहिए। और कई बार हमने ज्ञापन में लिख चुका है नांगल से चंदक तक नहर की पटरी पक्की होनी चाहिए जिसमें 500 गाँव को वहाँ फायदा होगा। ये जिला प्रशासन को हमारी मांगे शासन तक पहुंचानी चाहिए, नहीं तो जो ये आंदोलन आज हुआ है इससे भी बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन भानु का होगा। अब आपका अभी तक चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर की खबरें देखने और अपने जिले से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉगिन करिए, अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।